नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप देख रहे हैं बिहार के साथ। जीतन राम मांझी जो कि एनडीए में शामिल हो चुके हैं अपनी पार्टी हम के साथ, उनके तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने चुनाव को लेकर के अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ सीटों का ऐलान ही नहीं किया बल्कि उन सीटों से कौन से प्रत्याशी लड़ेंगे इसके बारे में भी उन्होंने बता दिया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक जो है एनडीए की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, लेकिन मांझी की तरफ से जो खबर आ रही है उसके अनुसार उन्होंने अपने सीटों की घोषणा कर दी है। इस रिपोर्ट में जानिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की ओर से भले ही औपचारिक तौर पर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से अपनी सीटों के बारे में जानकारी दे दी गई है। हम की ओर से सिर्फ सीट ही नहीं बल्कि इन सीटों पर कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा इसको भी तय कर लिया गया है। जैसी जानकारी है उसके अनुसार हम मोर्चा 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसमें जीताराम मांझी की पारंपरिक सीट इमामगंज के अलावा मखदूमपुर, टेकारी, आरा, बाराचट्टी, बायई, मोहनिया और केसरिया हैं। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर मांझी ने प्रत्याशी की लिस्ट भी फाइनल कर ली है। जानकारी के अनुसार मांझी खुद इमामगंज से मैदान में उतरेंगे, जबकि मखदूमपुर से देवेंद्र मांझी, टेकारी से पूर्व मंत्री अनिल सिंह, आरा से दानिश रिजवान, बाराचट्टी से ज्योति देवी, मोहनिया से साधना देवी और केसरिया से ज्योति सिंह मैदान में उतर सकती हैं। जहां तक खबर है उसके अनुसार इन नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। बता दें कि महागठबंधन से अलग होकर जदयू में शामिल होते वक्त मांझी ने साफ किया था कि वे बिना शर्त जदयू के साथ रिश्ते बना रहे हैं, लेकिन अपने वादे से अलग उन्होंने राजग के औपचारिक बयान नहीं आने से पूर्व ही सीटों को लेकर अपना फैसला ले लिया है। लेकिन इसमें नीतीश कुमार की ओर से सहमति की बात भी कही जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि मांझी के आने के बाद से जिस तरीके से नीतीश कुमार उनकी बड़ाई करते दिखे, उससे यही लगता है कि मांझी की ओर से जो सीटों को लेकर ये बातें तय हुई हैं उसमें नीतीश कुमार की भी सहमति है। भले ही मांझी की तरफ से सीटों का ऐलान कर दिया गया हो और उनके प्रत्याशी भी जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हों, लेकिन फिलहाल एनडीए की तरफ से ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।